हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मैगी सर हियर एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट डिस्कस अबाउट द सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन एंड सेंट्रीपेटल फोर्स। साथियों, अब हम अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है। अभिकेंद्र त्वरण तो ये होता है कि जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर एक समान वृत्ति गति कर रही हो तो उसके केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर एक समान वृत्ति गति करे तो उसके केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। देखिएगा, ये कोई वृत्ति गति है, वृत्ताकार पथ है, इसमें कोई कण एक नियत चाल से गति कर रहा है। इसका मतलब ये कैसी गति हुई? एक समान वृत्ति गति। और एक समान वृत्ति गति में जब कोई वस्तु में केंद्र की ओर जो त्वरण कार्य करता है वही अभिकेंद्र त्वरण होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब कोई वस्तु एक वृत्ति पथ पर नियत चाल से गति करती है तो उसके केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। और इसे एसी से व्यक्त करते हैं, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन बोलते हैं इसको। इसलिए तो देखते हैं कि ये कोई वृत्तीय पथ है जिसका केंद्र O है, ये ए बिंदु है। इस बिंदु पर मान लेते हैं इसका वेग v1 = v है। जब B बिंदु पर जाएगा तो v2 = v। हमने वेक्टर फॉर्म में माना, वेग का परिमाण तो नियत रहेगा, यानी वेग को हमने सदिश रूप में दर्शा दिया है ये, और ये कोण थीटा है। तो देखिएगा, जब इस प्रकार से गया v1 = v, v2 = v, इसका मतलब चाल नियत है या वेग का परिमाण नियत है। तो जैसा ये बना हुआ है इसी तरीके से ये मैं अलग कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ये डी थीटा है, ओ आर ए बी बिंदु, यहाँ पर v1 वेग और यहाँ पर v2 वेग, मान दोनों के v। तो जैसे वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ये वेक्टर अटैच है ऐसे हम इनको दूसरी जगह भी लगा सकते हैं। तो ये वेक्टर है तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये v1, ये ऐसे है, ये v2। तो इनका ये परिणामी जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वहीं इनका ये बीच का कोण डी थीटा है। तो हम मान लेते हैं कि ये त्रिभुज, ये परिणामी DB हुआ, PQR। तो ये दोनों त्रिभुज में हल करते हैं, त्रिभुज AOB व त्रिभुज PQR में। देखिएगा, इसमें सबसे पहले हमने कोण के सामने वाली साइड ले लेते हैं AB, और फिर हम इन दोनों में से कोई एक ले लें, OA या OB, बराबर है दोनों। ऐसे कोण के सामने वाली हमने साइड लिया पहले QR, और इन दोनों में से कोई भी ले लें PQ या PR, दोनों ही बराबर है। तो देखिएगा, ये वैल्यू हमने मान लिया, ये इतनी जो है dx, तो dx/r = ये है dv और अपॉन v, दोनों ओर dt से भाग कर दिए, dt से भाग। तो ये हो जाएगा dx/r dt और 1/v dv/dt, ठीक है ना। अब ये आप जानते हैं कि dx/dt जो होता है वो वेग होता है, और dv/dt वेग परिवर्तन की दर त्वरण, तो यहाँ पर अभिकेंद्र त्वरण मान लेंगे। तो ये है v/r = 1/v ac, तो ac = आ जाएगा v²/r। ये आया अभिकेंद्र त्वरण का मान। देखिएगा, अगर यहाँ पर हम बी की जगह आर ओमेगा रख दें तो ac = आ जाएगा r ω². तो ये दो सूत्र अभिकेंद्र त्वरण के प्राप्त हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये अभिकेंद्र त्वरण है। जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गति करती है तो उसके केंद्र की ओर जो त्वरण कार्य करता है उसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, एसी से व्यक्त करते हैं। माना कोई वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ति पथ पर बिंदु ए से एक समान वृत्ति गति करना प्रारंभ करती है, और कुछ समय बाद
dt समय में dx चाप अंतरित करते हुए बिंदु B पर पहुंचती है, यहां पर भी उसका चाल v ही है और केंद्र पर विस्थापन यानी कोणीय विस्थापन d थीटा प्राप्त होता है। तो हमने इस त्रिभुज को अलग कर दिया। अब इसी के हिसाब से वेक्टर की प्रॉपर्टीज होती हैं कि वैसे ही वेक्टर कहीं पर भी लगाए जा सकते हैं, तो हमने लगा दिया। इनका परिणामी है वेग परिवर्तन डी कोण के सामने। दोनों ही त्रिभुजों को हल कर दिया तो कोण के सामने वाली भुजा दोनों में लिया और फिर दोनों में से कोई भी ले लिया है, तो ये आ गया। दोनों ओर डी टी से भाग करने पर फाइनल ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर आ गए, या वी की वैल्यू आर ओमेगा होती है, वी और ओमेगा में संबंध, तो यहाँ पर ए सी का मान आर ओमेगा स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब हम जैसे अभिकेंद्र त्वरण है, इसी तरह से हम अभिकेंद्र बल को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अभिकेंद्र बल क्या होता है कि जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गति करती है, अर्थात एक समान वृत्तीय गति करती है, तो उसके केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो देखिएगा, जैसे ये है, ये आर त्रिज्या का कोई वृत्ताकार पथ है, यहाँ नियत चाल से कोई वस्तु गतिशील है, तो केंद्र की तरफ जो बल लगेगा वो होगा एफ सी, मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू एम इन टू ए होता है। तो ए की वैल्यू जब वी स्क्वायर बटे आर रख देंगे तो एफ सी का मान आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और जब ए का मान आर ओमेगा स्क्वायर रखेंगे तो एफ सी इक्वल टू एम इन टू आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये अभिकेंद्र बल के दो मान प्राप्त हो जाएंगे, वेग के रूप में और दूसरा कोणीय वेग के रूप में। तो अब हम इससे संबंधित एक एप्लीकेशन करते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो देखते हैं कि ये कोई वृत्तीय पथ है, ये ए से बी तक के लिए, मान लीजिए यहाँ पर b इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड है और त्रिज्या भी इसकी मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो पहली चीज क्या करो, बी ए माइनस बी, सेकंड ए माइनस ए, थर्ड इसी तरीके से आप f इसका भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, दिशा भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर m की वैल्यू है मान लीजिएगी 20 ग्राम। तो देखते हैं, देखिएगा, ये एक समान वृत्तीय गति और एक समान वृत्तीय गति में v का मान नियत रहेगा, यानी जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर होगा। तो इन वेगों को अलग करते हैं, ये है 4 मीटर पर सेकंड और ये है 4 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से वहाँ तक जाने में कितना परिवर्तन होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, ये आ जाएगा जिसको हम बी ए माइनस बी बी से डिनोट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 4√2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो बी ए माइनस बी बी, ये जो परिमाण आएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4√2। और दिशा क्या होगी, तो मान लेते हैं कि ये है अल्फा, तो टेन अल्फा इक्वल टू लंब बटे आधार, तो ये आ जाएगा 1, यानी टेन के केस में 1 की वैल्यू 45 होती है, तो दिशा आ जाएगी 45 अंश। तो इस प्रकार से वेग परिवर्तन और ये दिशा दोनों ही हम ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अब आइए हम डिस्कस करते हैं इसमें त्वरण क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि त्वरण का मान होगा क्या। तो ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर, यानी 4 का स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू है 0.1 मीटर, 0.1, तो 16 अपॉन 0.1 160 मीटर पर सेकंड। तो ये भी यहीं पर होगा और ये यहाँ पर होगा, मान लेते हैं ये ए है और ये
बी है, ठीक है ना। तो ये इसको हम सिर्फ एक्सीलरेशन को ए से डिनोट कर रहे हैं। तो इस दिशा में ये इस तरह से लगा हुआ और यहाँ पर ये इस तरह से लगा हुआ है ये। तो अब हम इसको वेक्टर के थ्योरम से जोड़ दें, तो ये है ए और ये है बी, तो परिणामी ये आ जाएगा ए ए माइनस ए बी, और ये कितना होगा फिर वही, ये है कर्ण का मान निकालना है तो अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी 160 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये त्वरणों में परिवर्तन है और दिशा फिर वही है क्योंकि दोनों ही मान बराबर है, तो अल्फा का मान फिर 45 डिग्री आ जाएगा, 160 अपॉन 160 टैन अल्फा इक्वल टू, तो फिर उतनी ही वैल्यू आएगी। इसी तरीके से अब आप जैसे अभिकेंद्र त्वरण निकाला तो ए बिंदु पर अभिकेंद्र बल निकाल दीजिए, एफ इक्वल टू एम इन टू ए होता है, तो एम का मान 20 ग्राम है यानी 0.02 केजी, तो 0.02 इंटू 160 त्वरण का मान आपने निकाल लिया है 160, तो ये आ जाएगा 3.2 न्यूटन। तो देखिएगा एफ ए का मान भी 3.2 है और एफ बी का मान भी 3.2 है, और दिशा जैसे त्वरण की थी उसी तरीके से हो जाएगी ये एफ ए एफ बी, ठीक है। तो इसका भी परिणामी कैसे निकालेंगे, ये है एफ ए और इस दिशा में है एफ बी, तो इनको वेक्टर की थ्योरम से ऐड कर दें, ये एफ ए हो जाएगा और ये एफ बी, तो परिणामी आ जाएगा ये। तो इसको डिनोट करेंगे हम एफ ए माइनस एफ बी, और इसका परिमाण निकाल रहे हैं तो अंडर रूट 3.2 का स्क्वायर प्लस 3.2 का स्क्वायर, तो 3.2 अंडर रूट 2 इतने न्यूटन, और दिशा फिर वही 45 डिग्री क्योंकि ये भी 3.2 ये भी 3.2, तो अल्फा की वैल्यू जब निकालेंगे तो फिर 1 आएगी टेन अल्फा और उसका मान 45 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से हम वेगों में परिमाणों में परिवर्तन, त्वरणों में अभिकेंद्र त्वरणों के और अभिकेंद्र बल के परिमाण में परिवर्तन किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच ज्ञात कर सकते हैं।